प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा नौवीं का रविदास के पद से पहला पद का चर्चा करेंगे। कवि रविदास आध्यात्मिक चिंतक हैं, भक्ति काल के महाकवि हैं, जिन्होंने अपने को भगवान का दास समझकर एक भक्त की पुकार इस कविता में, इस पद में कहा हुआ है। कैसे छूटे राम रट लागी, जब ईश्वर का प्रेम हृदय में आह्लादित हो जाता है, ईश्वर का प्रेम प्रकट हो जाता है, तो राम नाम का रट जो है छूटता नहीं है। यह कवि कहते हैं, यह तुलना किया हुआ है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप तो चंदन हो और हम उसमें पानी से मिल, पानी जैसे करके आप में मैं मिल जाऊंगा तो अंग अंग में आपकी बास आएगी, आपकी महक आएगी। प्रभु जी आप घन बन हो, आप तो घना बन हो, सघन बन हो और मैं मोर हूँ। सघन बन में मोर जिस प्रकार मस्त होकर नाचता है, मैं भी आप में मगन होना चाहता हूँ। और चांदनी में चकुर पक्षी जैसे खुश होता है, वैसे ही मैं खुश होना चाहता हूँ। आप दीपक आधार बनकर मुझे धारण कीजिएगा, मैं बाती बनकर आप में मिल जाना चाहता हूँ और ज्योति रूप में प्रकाशित होना चाहता हूँ। आप मोती हैं, हम धागे हैं और आपके साथ में हमारा मोती और धागा जैसा संबंध हो। तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। आप तो स्वामी हो, आप मेरे अंदर रहकर मेरा हर एक काम में, जितने भी मैं कर्म करूँगा उनमें आपका ही निर्देशन रहे, आप ही मुझे निर्दिष्ट करें, मार्ग दिखाएं, ऐसा कवि रविदास कहते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति जब अत्यंत उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है तो मन में ऐसा भाव आता है। यहाँ कवि एक भक्त की तरफ से ईश्वर को पुकार करते हैं और इस पद में मोरा, चकोरा, दासा, रविदासा ऐसे करते करके जो तुकांत का प्रयोग हुआ है, जो